प्यारे बच्चों, 9 चैप्टर के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम एग्जांपल 7 को और 9.1 के कुछ सम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि एक नदी है, तो अगर नदी है तो फिर नदी के दो किनारे भी होंगे, ठीक है। तो उस पर बना है एक ब्रिज, क्योंकि आपको रिवर को अक्रॉस यानी कि मतलब पार करना है, ठीक है। उस नदी के ब्रिज के ऊपर से अगर आप नदी के दो किनारों को देखते हैं, निहारते हैं, तो दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं आपकी हॉरिजॉन्टल रे और साइड रे के बीच में, ठीक है। डिप्रेशन समझ रहे हो। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, आपको वर्टिकल जो लेंथ दी हुई है वो दी है 3 मीटर की, आपको हाइट है ब्रिज की, ऊंचाई है वो आपको दी हो, तो आपको नदी की जो चौड़ाई है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम एक चित्र का निर्माण करके आपको बताते हैं, आप देखने का कष्ट करें यहाँ पे। तो ये रहा आपका चित्र, समझ रहे हैं, ये है नदी की चौड़ाई, ये है ब्रिज का एक डॉट जहाँ से आप इस किनारे को और इस किनारे को आप निहार रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई उसकी हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है। ये वो मतलब पॉइंट हो गया, लेट्स से पी, एक नदी का किनारा ए है, अगला किनारा बी है। एक जगह आपका 30 डिग्री अवनमन कोण यानी कि डिप्रेशन एंगल बन रहा है, एग्जांपल 7 कर रहे हैं हम, ठीक है। और अगली जगह आपका डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री बन रहा है। तो अब आप जानते हैं कि ये जेड नुमा जो आकृति बन रही है, तो ये कितना हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 45, और ये 30 है तो कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ये एक लाइन है आपकी ट्रांसवर्सल जो इन दो पैरेलल लाइन को छूती है। तो बनने वाले एंगल यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल हाइट है आपकी, लेट से PL, ये आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटे, 3 मीटर, समझ रहे हो, ये दी है आपको 3 मीटर। ऑलराइट, चलो तो सबसे पहले अपन सम लिखेंगे, वर्टिकल हाइट ऑफ ब्रिज PL बराबर 3 मीटर, ठीक है। विड्थ ऑफ रिवर AB बराबर आपका एक्स प्लस वाई मीटर, AB बराबर एक्स प्लस वाई मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्स प्लस वाई क्यों लिया है, क्योंकि आपने लेट किया हुआ है AL एक्स मीटर और BL वाई मीटर, ये आपने माना है y, और ये माना है आपने x, समझ में आ रहा है। तो ए भी कितना हो जाएगा x एंड y, x प्लस y, ठीक है। अब डिप्रेशंस की हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए आपको डिप्रेशन में लेके चलें, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल्स ऑफ डिप्रेशन वाई पी बी इक्वल 45 डिग्री एंड एक्स पी ए इक्वल 30 डिग्री। सो एंगल पी ए एल इक्वल
एक्स पी ए इक्वल 30 डिग्री और पी बी एल इक्वल वाई पी बी इक्वल टू 45 डिग्री। इसका कारण क्या हो जाएगा बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसके पहले वाले सम में पूरा लिखा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लिख देना वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है पी एल बी और एक बन रहा है पी एल ए, है ना। पी एल ए कहीं सुना है भाई? पीपल लिबरेशन आर्मी तो नहीं है चाइना की? एक मिनट, ठीक है, तो देख लेना आप लोग ट्राइंगल पी पी एल ए में, यानी पीपल लिबरेशन आर्मी में, जो कि चाइना की आर्मी है भैया ये। आगे बढ़ते हैं, टेन थर्टी ले लेंगे। चलो ढूंढो पी एल ए में टेन थर्टी क्यों लिया है, क्योंकि हमको परपेंड दिया है तीन और बेस दिया है एक्स, दिख रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल पी एल ए, बेस इज एक्स, परपेंड इज थ्री, थ्री अपॉन एक्स हो जाएगा। साइन क्यों नहीं लिया सोचो, तो पी एल डिवाइड बाय ए एल, अगली लाइन में थ्री डिवाइड बाय एक्स, यहाँ पे वन अपॉन रूट थ्री बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थ्री रूट थ्री। अब की बार हमने ट्राइंगल पी एल बी ले लिया, तो वहाँ हो जाएगा पी एल डिवाइड बाय बी एल, क्यों? क्योंकि ये वाला ट्राइंगल लेने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा पी एल डिवाइड बाय बी एल इक्वल टू पी एल थ्री है, बी एल वाई है, टेन फोर्टी फाइव का मीनिंग होता है वन, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर। इसको और सॉल्व कर दो, थ्री रूट थ्री का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 1.732। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट 3 की वैल्यू होती है 1.732। कैसे पता? स्क्वायर रूट मेथड से। अरे हम तो भूल ही गए, तुम्हें कॉल करना था तुम लोगों को। तो विड्थ ऑफ रिवर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5.196 + 3 इक्वल टू 8.196 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपने विद की बात कर ली, आप देख लें ये सेकेंड हाफ है सवाल का और ये उसका फर्स्ट हाफ है। लेट मी ओपन द रजिस्टर फॉर यू, है ना। ओके चलो, इसके साथ ही आपके एग्जांपल्स ख़त्म होते हैं। मैं एक्सरसाइज 9.1 आपके लिए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पहला सम है, इम्पोर्टेंट सम है, ठीक है। अब देखें आप एक्सरसाइज 9.1, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप, ये जो आपकी ड्राइंग बनी हुई है, तो 20 मीटर लॉन्ग रोप को वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, ऐसा आड़ी बंधी हुई होती है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो मतलब ए भी क्या हो गया, वर्टिकल पोल हो गया, सी अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड हो गया, तो पोल के टॉप से जमीन को बांधा गया है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको ए बी फाइंड करना है, लेट से एच मीटर, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ठीक है, तो आपको ये निकालना है। ओके तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन भी इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक ड्राइंग बना लें, ये रहा हमारा पोल, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1।
ये रहा पोल, पोल की लंबाई ए बी, ये रही 20 मीटर लंबी रोप जो कि पॉइंट सी तक बंधी हुई है। आपको ए बी की लंबाई निकालनी है जो कि एच मीटर का पोल है। वो कह रहे हैं कि उस डॉट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। अब आप इमेजिन करो, मुझे कमेंट में बताओ कि आपको परपेंडिकुलर दिया है इस एक्यूट एंगल का, क्योंकि एक्यूट एंगल के ठीक सामने होता है परपेंडिकुलर ना कि बेस, और हाइपोटेन्यूज दिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कमेंट में बताओ कितना होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, यू विल टेल मी इन कमेंट। ओके चलो सॉल्व करते हैं। ए बी इज अ पोल ऑफ एच मीटर, ये आपने सपोज किया है, ठीक है, आपको डिस्टेंस नहीं निकालना दोनों की। लेंथ ऑफ रोप या ए सी इज अ रोप ऑफ 20 मीटर, भाई लिखने के तरीके होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ए सी बी इक्वल 30 डिग्री। सिंस हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो हम साइन या कोसेक में से कुछ ले सकते हैं। तो साइन ले लेंगे हम 30, पहले यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, वैल्यू पुट करेंगे एच डिवाइड बाय 20, साइन 30 की वैल्यू होती है 2, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 20 डिवाइड बाय 2। सर आपने 2 को वहाँ नहीं भेजा, मेरी मर्जी। 10 मीटर, ये क्या आ गई आपकी हाइट ऑफ पोल, आंसर स्टेटमेंट लिख देना 10 मीटर, ठीक है, ये सवाल लिख लेना, ड्राइंग आप पहले देख चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन वन आपका जो है वो मैंने करा दिया, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से देखिए इसको। हम चलते हैं क्वेश्चन टू की तरफ। इम्पॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में आया था इसलिए एक बच्चे ने इसे थोड़ा सा रंग दिया है, पता नहीं उसको इस कलर का हाइलाइटर कहाँ मिल गया। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, है ना, तूफान आया, तूफान का नाम तुकाते, ठीक है, और उसने एक पेड़ को तोड़ दिया, ठीक है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और पेड़ के टूटते ही उसका जो ब्रोकन पोर्शन है वो जाके एक जमीन को छू लिया, तो ट्री के खड़े हुए भाग, उसके टूटे हुए भाग और जमीन के बीच में एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। ट्री का टॉप जमीन को छूते ही 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, और डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस इज 8 मीटर, मतलब पेड़ के ठूठे और उसके टॉप के बीच का डिस्टेंस, यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 मीटर गिवन टू यू, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे ब्रोकन पार्ट की हाइट नहीं पूछ रहा, वो टोटल पार्ट की हाइट पूछ रहा है। देखिए भाई इसकी पहले ड्राइंग आप, ये रहा हमारा पेड़, जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं वो है उसका टूटा हुआ पार्ट, और जाके इसने छू लिया जमीन को, ठीक है, यहाँ कुछ पत्तियां बना दें क्या, रहने दें। इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया है पेड़ और पेड़ के टॉप के बीच का डिस्टेंस हमको 8 मीटर गिवन है, इसने 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है। आप इसको h ले लें, इसको x ले लें, आपको h प्लस x निकालनी है। आप लेट करते हैं हाइट ऑफ
स्टैंडिंग पार्ट ऑफ ब्रोकन ट्री, ए बी इक्वल टू एच मीटर। सर ए बी कहाँ है? यह है ए बी। लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ या फॉलन पार्ट ऑफ ब्रोकन ट्री, ना ब्रोकन पार्ट ऑफ ब्रोकन ट्री अजीब लगता है ना सुनने में, एमिनेम का रैप जैसा कुछ। आधे बच्चे बोल रहे होंगे कुछ भी है ना। आगे बढ़ते हैं। हेंस हाइट ऑफ ट्री ए बी प्लस ए सी इक्वल टू एच प्लस एक्स मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिया हुआ है एंगल ए सी बी इक्वल 30 डिग्री, और डिस्टेंस बिटवीन हमको दी हुई है, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है ठीक है ना, बिटवीन है। डिस्टेंस बिटवीन क्या कहते हैं उसको, फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप ऑफ ट्री 8 मीटर, ठीक है। इतना लिख लेना वीडियो पॉज करके, हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर जी यहाँ आपको डबल फाइट करनी है, एक बार परपेंडिकुलर बेस लेके आप 10 रखिए और अगली बार हाइपोटेनियस और बेस रखिए, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस रखिए, तो आपका साइन या फिर कॉस यूज़ होगा वहाँ पे, समझ रहे हो ना। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होंगे ठीक है। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी 10 30 इक्वल टू ए बी यानि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज एच डिवाइड बाय बेस इज 8, 1/√3, एट अपॉन रूट थ्री इक्वल टू एच। ऊपर नीचे रूट थ्री से इंटू करवाएंगे, क्यों करवाएंगे जानते हो, इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। नीचे आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा रूट थ्री। ठीक है, इसको और सॉल्व कर देंगे या रिलैक्स, इसको अपन रूट थ्री में वैल्यू लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, इक्वेशन 1 कर देते हैं इसको ठीक है। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ये दिया हुआ है हमको ड्राइंग में एक्स, और ये दिया हुआ है एच, साइन 30 की वैल्यू 2। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2h, जहां h की वैल्यू अभी हमने रिसेंट में फाइंड करी है 8/√3। हाइट ऑफ ट्री x प्लस h इक्वल टू 16/√3 प्लस 8/√3। आप रूट थ्री पहले कॉमन ले लो,
16 अपॉन 3 प्लस 8 अपॉन 3 16 प्लस 8 मजा आ गया भाई 24 अपॉन 3 इसका मतलब होता है 8 इस पूरे का और रूट 3 क्या आंसर आया है मजा आ गया ठीक है इस आखिरी पार्ट ये बीच वाला पार्ट इस सेकंड पार्ट और इसका पहले का लिखवा चुके हैं ठीक है देख लो सेकंड पार्ट तो क्या करना चाहिए आपके दो सवाल हो गए 9.1 के ठीक है तो थर्ड वाला आपको ट्राई करके आना है और ये सब सम आपको फेयर करके देना है तब तक के लिए बाय